यहाँ पे ऊपरी दिशा में अगर आप कट करते हो तो आपके काफी सारे लोगों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं, और इन जनरल यू हैव दिस टेंडेंसी ऑफ गेटिंग इनटू आर्ग्यूमेंट्स अननेसेसरी, ये वैचारिक लेवल पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं। वही लाइन अगर नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा और कट कर दे, तो यहाँ पे दिस पर्सन इज, अगर ये सिग्नेचर में इस तरह का कोई लाइन करता है तो दिस पर्सन, नाउ दिस पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिम, वो खुद से सेटिस्फाई नहीं होता है। Since last 14 years, I have been decoding the mystery of symbols, logos and graphology to unleash the life, business and finances. कोई शरद पवार जी के सिग्नेचर में क्या हो रहा है? He is writing शरद पवार, देखो this is the kind of signature he is making, right? Approximately, ठीक है? तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? There is no support, दिख रहा है आपको? There is no support. तो ये support ले ही नहीं पाएंगे, लेंगे ही नहीं, और इनको कोई support, इनको उस जगह से support नहीं मिलेगा जहां से उनको चाहिए, ठीक है? ये एक हो गया। Now let's go and check the signature of Raj Thakur. देखो क्या होता है, दोनों की signature में क्या हो रहा है। और दिस इज द सिग्नेचर ऑफ राज ठाकुर, इनके सिग्नेचर में क्या दिख रहा है? देखो आप, व्हेन ही इज डूइंग सिग्नेचर व्हाट इज हैपनिंग हियर आल्सो, ही इज नॉट एबल टू टेक द सपोर्ट। राज ठाकुर भी क्या कर रहे हैं? राज ठाकुर देख रहे हैं यहां पे भी, तो यहां पे भी देयर इज नो अपर लाइन टू सपोर्ट, तो इनको भी उस जगह से सपोर्ट नहीं मिला जिनको, जहां से इनको चाहिए था। और शरद पवार जी को भी वहां से सपोर्ट नहीं मिला जहां से उनको चाहिए था। दोनों को अपना पक्ष छोड़ना पड़ा, जहां से, जहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत अच्छे लेवल पे गए, बट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द सपोर्ट विच दे वॉन्टेड, उनको वो सपोर्ट नहीं मिला जो चाहिए था, दे हैड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ यहाँ पे देखो बाळासाहेब ठाकरे की सिग्नेचर देखो, इसमें क्या होता है? बाळासाहेब ठाकरे, दिख रहा है आपको क्या हो रहा है? यहाँ पे भी उसको सपोर्ट है। उद्धव ठाकरे की सिग्नेचर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? उनको सपोर्ट है, दिख रहा है? तो जहां जहां पे इंसान सपोर्ट नहीं लेगा, जहां जहां पे वहां पे लाइन नहीं आएगा, वहां वहां पे सपोर्ट की इच्छा होते हुए भी इस इंसान को सपोर्ट नहीं मिलेगा, और जहां पे वो लाइन रहेगा, आपको सपोर्ट की इच्छा रहे या ना रहे, लोग आपके आपको सपोर्ट कर देंगे, ठीक है? अभी यही सिग्नेचर अगर हम कोई अलग तरह से करते हैं, अभी देखो ये सिग्नेचर का ऊपर और सुर का नाम निकला ही है, तो अगर किसी ने अभी इस तरह का सिग्नेचर किया और इसने यहाँ पे लाइन दे दिया, इस तरह से लाइन मारने वाले भी लोग हैं ना जो सिग्नेचर के ऊपर लाइन दे देते हैं, या फिर यहाँ पे आपने कई काफी सारे फॉन्ट्स दिख रहे हैं जहां पे लिखते समय ये जो चीज है, ये चीज इस तरह से आ जाती है कि ये शरद पवार लिख रहे हैं, अगर ऐसा पवार लिख दिया तो दिस पीपल आर डूइंग द लाइन लाइक दिस, यू नो। आप इसे कितने लोगों ने इस तरह का फॉन्ट देखा हुआ है, कहीं रेस्टोरेंट पर रहता है, कहीं अलग जॉब पर, जहां पर ऊपरी लाइन कट हो जाता है, देखा आप लोगों ने किसी ने? या तो ऐसा लाइन देते हैं, हाँ देखा हुआ है, ग्रेट ग्रेट। तो देखो दोनों का जो मीनिंग है अलग अलग जाता है। ये सम्राट जी का तो ये फेवरेट फॉन्ट है, इसमें बहुत वो डिजाइनिंग करते हैं। क्या इसमें क्या हो रहा है? देखो इसमें ना these people will, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने हमने कटिंग के बारे में सुना था, कटिंग के बारे में समझा था कि जहाँ पे भी कोई भी इंसान एक ए लिख देगा और उसको कट कर देगा, तो what he is trying to say कि ए लिखना मतलब he is saying कि मैं ए हूँ, और जैसे ही वो उसको कट कर देता है उस समय पे वो और ए एक नहीं होते, एक चीज नहीं होती है। वो कहता है कि मैं ए नहीं हूँ, मैं बी हूँ, तो somewhere there is a difference of opinion, that is why he is cutting A and writing B, okay? तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अपर जोन, देखो अभी ये अपर जोन का एक कंसेप्ट आप सीखोगे आगे, तो जैसे ही ये यहाँ पे कट हो जाता है, इस तरह से कट हो जाता है, यहाँ पे इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसमें वैचारिक मतलब थॉट लेवल पे बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। ऐसा फॉन्ट जहाँ पे भी यूज होता है, ऐसा किसी का सिग्नेचर हो जाए, ऐसा किसी का लिखने का स्टाइल हो जाए, जो नहीं आपने कटिंग की बात की, यहाँ पे ऊपरी दिशा में अगर आप कट करते हो तो आपके काफी सारे लोगों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं, और
इन जनरल यू हैव दिस टेंडेंसी ऑफ गेटिंग इनटू आर्ग्यूमेंट्स अननेसेसरी, ये वैचारिक लेवल पे डिफरेंस ओपिनियन हो जाते हैं। वही लाइन अगर नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा और कट कर दे, तो यहाँ पे दिस पर्सन इज, अगर ये सिग्नेचर में इस तरह का कोई लाइन करता है तो दिस पर्सन नाउ दिस पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिम, वो खुद से सेटिस्फाई नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसने जो चीजें की अपनी लाइफ में दिस थिंग्स आर नॉट वर्दी, कुछ तो भी उसने गलती की है जिसके कारण ही इज फीलिंग इरिटेटेड विथ हिमसेल्फ, वो खुद से परेशान है, खुद को बुरा समझता है, खुद इज नॉट फीलिंग गुड अबाउट हिमसेल्फ। तो खुद से इरिटेशन का ये एक प्रतीक है जहां पे द पर्सन इज कटिंग हिज ओन नेम और ओन सिग्नेचर। तो ये सब अब लिख लो बेसलाइन, अभी हम वी विल गो अहेड एंड लर्न मोर टाइप्स, हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे बेसलाइन के साथ, सैंपल में देखेंगे हम लोग कि किस तरह से बेसलाइन देखी जाती है, क्या देखना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सब चीजें वी विल डू द एनालिसिस नाउ। सर कैन यू रिपीट द सेकंड वन सर, शरद पवार का सेकंड वन व्हिच इज जस्ट टच, क्या होता है यहां पे, क्या फर्स्ट वन आल्सो, ओके फाइन, बोथ एक्सप्लेन करता हूं। अभी देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये जस्ट कट हो रहा है, दिख रहा है यहां पे क्या हो रहा है, इफ यू फोकस इट तो यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये जो है इस तरह का कट हो रहा है, मतलब अगर बड़े इसमें लिखो अक्षरों में तो ये ऐसा कट हो रहा है जहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है और ये थोड़ा सा हल्का सा कट हो, दिख रहा है आपको सबको, नाउ कैन यू, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ, यस ओके, सो ये जो इतना जो कट हो रहा है ना, ये कटिंग दर्शाता है कि वैचारिक लेवल पे, थॉट लेवल पे दीज पीपल आर नॉट कंफर्टेबल, दीज पीपल आर विल गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स विद लॉट ऑफ पीपल, खुद के मतलब ये किसी भी इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं, इनका नेचर ही आर्ग्यूमेंट्स का हो जाता है। अगर किसी कंपनी का इस तरह का फॉन्ट है या फिर किसी रेस्टोरेंट में इस तरह का, मैंने रेस्टोरेंट में काफी देखे इस तरह के फॉन्ट, तो वो जगह पे काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर और बिटवीन ओनर्स, बहुत सारे ओनर्स होते हैं, उनके बीच में झगड़े होना, वैचारिक मतभेद होना, यू नो इट्स लाइक थॉट लेवल डिफरेंसेस, दिस पीपल विल इंड्यूस थॉट लेवल डिफरेंस। लेकिन अगर ये लाइन ऐसे बीच में से जाता है, कट करता है खुद को, तो ये इंसान ना खुद से सेटिस्फाइड नहीं है, दिस पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल विद हिमसेल्फ, दिस पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ, ये खुद को ब्लेम करता है, खुद के बारे में बुरा सोचता है, उसको सेल्फ स्क्रैचिंग कहा जाता है।